हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो सब्स्टिट्यूट करेगा और वहाँ पर रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, मान लीजिए हमने लिया CH3Br, इसमें आया OH नेगेटिव और ये क्या बनेगा आपके पास, CH3OH और Br नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH नेगेटिव क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया इसने कार्बन पर और यहाँ से ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में निकल गया। अभी नेगेटिव चार्ज है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पर है ब्रोमीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और आपके पास हेलोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अप्रोच करना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तभी यहाँ पर जो कार्बन को अप्रोच करता है और यहाँ से Br जो है निकल जाता है और प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाता है। अब इसी की कैटेगरी की हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, दैट इज योर SN2 रिएक्शन। एक होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, दैट इज योर SN1 रिएक्शन। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि SN2 और SN1 रिएक्शंस क्या हैं। तो हम देखने वाले हैं SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले SN2 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जिस केस में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर SN2 के केस में दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये 2 स्टैंड्स फॉर कि आपके पास जो ऑर्डर की बात करते हैं, तो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज़ पे, एक एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, और दूसरी डिपेंड कर रहा है ये किस पे, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यहाँ 2 का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ 2 का मतलब ये नहीं है कि दो स्टेप में रिएक्शन होनी है। एक्चुअली SN2 जो है वो एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस रिएक्शन में, हमने एक एग्जाम्पल लिया ऐसा, यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड दिखाए गए। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड इन प्लेन होते हैं जो मैंने ये दिखा दिए, और 2 बॉन्ड आपके पास क्या होते हैं, एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। ठीक, आप एग्जांपल के लिए ये भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा भी सिस्टम आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एक स्टेबल स्टेट नहीं होती है, वो थोड़े टाइम के लिए बनती है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बताऊँ तो CH3 और यहाँ H और H है। जैसे ही OH नेगेटिव जो है अप्रोच करेगा इसको, अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, यहाँ से इसको अप्रोच कर रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सेम टाइम पे कार्बन और जो ब्रोमीन का बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। अब जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों पे आ रहा है, क्यों आ रहा है वो देखिए, OH पे नेगेटिव चार्ज था, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के क्या दे रहा है, कार्बन को दे रहा है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगेन ब्रोमीन जो है वो Br नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, इसलिए इस पे भी क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म, और ये जो स्टेट है दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ध्यान से देखिएगा, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, समझ आया शायद आपको ये चीज, क्या हो रहा है, जहां से ब्रोमीन जा रहा है वहां पर नहीं लगेगा, जहां से ब्रोमीन जा रहा है वहां पर ग्रुप नहीं लगेगा, ये जो आपके पास OH ग्रुप लगेगा वो यहां लगने वाला है। ठीक है, ये जो OH ग्रुप लगने वाला है वो यहाँ लगने वाला है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, तभी मैंने आपके पास जो रॉन्ग प्रोडक्ट लिख के दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। जिधर से ब्रोमीन जा रहा है उस सेम साइड पे OH नहीं आएगा, कौन सी साइड पे आएगा, उसकी 180 डिग्री के एंगल की साइड पे, ठीक है, उसके अपोजिट साइड पे आएगा, और यही आगे आप पढ़ोगे, दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, और इसी को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। तो आपने ऐसे ही लिखना, अपनी नोटबुक में भी ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जिधर से Br निकलेगा उसके ओपोजिट साइड से जो है OH यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर है ये चीज़। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, सबसे पहले सिंगल स्टेप रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, उसके बाद कॉन्फिग्रेशन कैसी होगी, इन्वर्जन हो गई,
देन अगर हम बात करें इसके रिएक्टिविटी की, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देखो OH नेगेटिव ने अटैक करना है, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ही अटैक क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करा उतना ही अटैक क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, तो इस केस में जो रिएक्टिविटी होगी सबसे पहले CH3X, उसके बाद जो आपके पास प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, जो आपके पास प्राइमरी कार्बन है उसकी, देन सेकेंडरी वाले की, देन किसकी होगी, सेकेंडरी वाले की, देन किसकी होगी आपके पास, टर्शरी वाले की, किसकी होगी, टर्शरी वाले की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, नॉर्मल मिथाइल हैलाइड, इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, रीजन इज टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है ये चीज़। और कॉन्फिग्रेशन कैसी होगी, इनवर्ट कॉन्फिग्रेशन होगी, इन्वर्जन होगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दैट इज योर SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है, दैट मीन्स यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो किसी एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, और वो क्या है, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आइदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब बात है यहाँ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स हमें तो जो लग रहा था, जैसे हम पिछली रिएक्शन को कंसीडर करें तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी दो चीज़ों पर डिपेंड करना चाहिए, बट जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, अगर स्लो स्टेप आपके पास है, अगर रिएक्शन जो है मल्टी स्टेप में हो रही है, तो वहाँ पर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जहाँ वहाँ पर स्लो स्टेप होता है, दैट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। दैट मीन्स अभी ये रिएक्शन जो है ये एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रही है, ये दो स्टेप में हो रही है, और जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। देखते हैं अब कैसे हो रही होगी रिएक्शन। हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला टर्शरी सिस्टम मैंने ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन दिखाना है। पहला स्टेप क्या है, ये स्लो भी है और रिवर्सिबल भी है। इसमें होगा क्या, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा, CCH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ Br नेगेटिव निकल गया। अब बात आती है कि ये बोन टूटने की एनर्जी कहाँ से आई, तो याद रखिए कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O। SN2 रिएक्शन में हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इस केस में हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, पोलर मतलब पोलैरिटी, जहाँ पर चार्ज डिफरेंसेस आएंगे, प्रोटिक का मतलब क्या है, जहाँ पर वो प्रोटॉन्स दे रहा है, दैट इज़ योर H पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही Br नेगेटिव की बात है, जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करेंगे, इसकी आयनाइजेशन को बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि जो Br नेगेटिव बनेगा वो स्टेबलाइज होगा किसके द्वारा, जो प्रोटॉन आपको सॉल्वेंट के थ्रू मिल रहा था। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब वो प्रोटॉन दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, तो वो ब्रोमीन को क्या करेगा, सॉल्वेशन करेगा, ब्रोमीन को स्टेबलाइज कर देगा। यही इसका जो है आपके पास एनर्जी है, इस जो ब्रेकिंग की, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनने की, यही जो आपके पास है ड्राइविंग फोर्स है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पर OH जो है लग जाएगा, ठीक है। OH नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पर, अगर मैं इसको और डिटेल में दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकती हूँ, OH नेगेटिव, तो यहाँ क्या हुआ, CH3 और OH। अब बात आती है कि मैम ये जो वन था ये तो हमें समझ आ गया, ये भी समझ आ गया कि दो स्टेप में है, दिस इज योर स्टेप नंबर वन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दिस इज योर स्टेप नंबर टू, ठीक। अब कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का क्या रहेगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का क्या रहेगा, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यहाँ बनते हैं रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सिंपल सी चीज़ अभी आप एक समझिएगा। मान लीजिए ये आपके पास जो है प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज इस रिएक्शन में भी क्या होगा, जो रेसेमिक मिक्सचर बनेगा उसमें OH और जो Br है वो प्लेन में ही है, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए आप चीज़ समझिए, एक हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है, दिस इज योर कार्बोकेटाइन, SP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है प्लेनर सिस्टम,
अब जो OH नेगेटिव ने आना है वो ऊपर से भी आ सकता है, वो नीचे से भी आ सकता है। OH नेगेटिव के जितने चांसेस ऊपर से आने के हैं उतने ही चांसेस नीचे से आने के हैं। तो मतलब आपके पास कैसा हो गया, प्लेनर सिस्टम हो गया। जब इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है और कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है उस टाइम पे बनता है रेसेमिक मिक्सचर। उस टाइम पे क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट जब मैं आपको समझाऊंगी वहाँ इसको और डिटेल में डिस्कस हम करेंगे, वो आगे की क्लासेस में देखेंगे। अब जो SN2 रिएक्शन थी, SN2 रिएक्शन में क्या था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस थी, यहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस थी, इसलिए जो आपके पास OH नेगेटिव था वो कहाँ से आ रहा था, नीचे से आ रहा था। तो BR यहाँ से जा रहा था और OH यहाँ से लग रहा था, दैट इज़ योर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने ये देख लिया, काइनेटिक्स इसकी देख ली, सॉल्वेंट देख लिया, SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, जैसे एसीटोन हो गया, और इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन SN1 है, 1 स्टैंड्स फॉर कि एक की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ये अल्काइल हैलाइड इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि रिएक्टिविटी क्या होगी। देखिए हमें पता है कार्बोकेटाइन जो है कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, तो इसकी जो रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहने वाला है वो क्या है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर देखनी है और कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है। 3 डिग्री, 2 डिग्री होपफुली समझ आ रहा होगा। 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, एक कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मैं उसको बोल रही हूँ 3 डिग्री। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा होता तो सेकेंडरी या 2 डिग्री, और अगर वो 1 कार्बन से जुड़ा होता दैट इज़ योर प्राइमरी और 1 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने आज इसकी क्लासेस में इसके देख लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स देख लिए। अपकमिंग क्लासेस में हम इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, एक ट्राई और सेल्फ क्वेश्चन जैसे आपको मिलता है वो मिलेगा, उसमें क्या बताना है आपने, एक बेंजाइलिक हैलाइड है और एक आपके पास एलाइलिक हैलाइड है, एक बेंजाइलिक हैलाइड है और एक एलाइलिक हैलाइड है। आपको ये बताना है कि ये दोनों जो हैं वो किसके थ्रू जाएंगे, SN1 के थ्रू या SN2 के थ्रू। कोई डाउट आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।